सो हेलो फ्रेंड्स, मैं मकाश और आप देख रहे हैं योर व्यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओप्पो F7 में काफ़ी दिन पहले कलर साइन प्लस एंड्रॉयड 10 का जो अपडेट है, स्टेबल अपडेट भी आ गया। उससे पहले ट्रायल वर्जन के बैचेस आए थे जिसमें काफ़ी सारे कोटाज अवेलेबल कराए गए थे, काफ़ी सारे यूजर ने फॉर्म भी फिल किया, ट्रायल वर्जन का अपडेट भी वो लोग फॉर्म फिल करके लिए थे। तो यहाँ पर दोस्तों, उसके बाद स्टेबल अपडेट भी रोल आउट हो गया जो कि ओप्पो F7 के जितने भी यूजर है वो सभी डिवाइसेज में कलर 7.1 प्लस एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिल गया स्टेबल वर्जन। तो यहाँ पर दोस्तों, कलर 7 प्लस एंड्रॉयड 10 का स्टेबल वर्जन मिलने के बाद, स्टेबल अपडेट मिलने के बाद एक न्यू अपडेट आया है जो कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, 393 MB का अपडेट है। इस अपडेट में क्या कुछ न्यू फीचर्स आप सभी को देखने मिलते हैं और क्या कुछ बग्स को फिक्स किया गया है कंपनी की तरफ से और किस मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता है, मैं सारा कुछ इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं दोस्तों, 8.13 जो कि दोस्तों इससे पहले 8.11 वर्जन था जो कि स्टेबल अपडेट आने के बाद आया था ये अपडेट, और उसके बाद का जो अपडेट कल आया है 8.13, यानी कि 12 ना देकर डायरेक्ट 8.13 आप सभी के डिवाइस में अपडेट आ गया। तो 8.13 ये जो अपडेट है दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने पहले बताया 393 MB का अपडेट मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों, इसमें क्या कुछ बग्स फिक्स किए गए हैं, कौन से फीचर्स ऐड किया गया है, सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं अबाउट दिस अपडेट में, अपडेट टू द न्यू वर्जन ऑफ ColorOS, दिस वर्जन इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइज द शूटिंग ऑफ बैकलिट फोटोज। तो यहाँ पर दोस्तों, कैमरा में कुछ चेंजेस किया गया है, क्या चेंजेस किया गया है आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी बग्स को फिक्स किया गया है, वो भी सारा कुछ मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अपडेट लॉग में सिस्टम में देख सकते हैं, एडेड द जुलाई 2020 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू एनहांस योर सिस्टम सिक्योरिटी। तो यहाँ पर दोस्तों, इस अपडेट में आपको जुलाई मंथ का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, और उसके साथ साथ दोस्तों अगला देखते हैं आप, इम्प्रूव्ड सिस्टम स्टेबिलिटी, फिक्स्ड एन इशू वेयर स्पीकर ऑडियो वुड बी डिलेड व्हेन ईयरफोन्स वेयर अनप्लग्ड। तो यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, ओप्पो F7 में अगर आप कोई भी सॉन्ग ईयरफोन्स लगा करके आप प्ले कर रहे हो या सुन रहे हो, तो उस टाइम क्या होता था, अगर आप अपने ईयरफोन्स को या ईयरबड्स को आप अनप्लग करते थे, उससे मतलब डिस्कनेक्ट करते थे, तो उस टाइम क्या होता था, जो कि दोस्तों आप देखते हैं जैसे ही अनप्लग करने से साउंड जो है वो प्ले होने लगता है, मतलब स्पीकर वर्क करने लगता है। लेकिन ओप्पो F7 में क्या था दोस्तों, कि अनप्लग करते ही कुछ देर डिले करके, मतलब कुछ थोड़ा देर रुक करके उसके बाद वो साउंड प्ले होता था। तो वो एक बग था जो कि इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। और उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर, फिक्स्ड एन इशू वेयर द स्क्रीन वुड फ्लैश when you swipe up from the bottom of the screen to switch between recently used apps. तो यहाँ पर दोस्तों, रिसेंट ऐप्स में अगर आप जाते थे, मान लो कि इस रिसेंट ऐप में गए हो, वहाँ से किसी एप्लीकेशन को आप रिमूव कर रहे हो, ऊपर की तरफ स्वाइप अप कर रहे हो, तो क्या होता था, वहाँ पर आपका जो स्क्रीन है वो वाइट कलर में ब्राइटेस्ट होकर फ्लैश करता था। तो वो भी एक बग था जो कि इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कैमरा में इम्प्रूवमेंट कुछ किया गया है, क्या किया गया है दोस्तों अभी देखते हैं। तो इम्प्रूव्ड एक्सपोजर इफेक्ट टू इम्प्रूव द शूटिंग ऑफ बैकलिट पोर्ट्रेट्स। तो यहाँ पर दोस्तों, इससे क्या हुआ है, मतलब इससे पहले जो कलर 7 का अपडेट आया था, इसके पहले का वाला अपडेट जो कि 8.11 का अपडेट था, और उसके पहले भी कलर 7 आने के बाद भी 2-3 अपडेट आया था 8.11 के पहले, तो उस सारे अपडेट तो क्या होता था, अगर आप पोर्ट्रेट में फोटो क्लिक करते थे जो कि बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में अगर वाइटेस्ट कलर का कोई, यानी कि क्लाउड वगैरह या फिर कोई भी लाइट वाइट वगैरह आ जाता था, तो उसको ज़्यादा करके एक्सपोज कर दे रहा था, मतलब एक्सपोजर का उसको ब्राइट कर दे रहा था, तो यहाँ पर फोटोज़ की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती थी, देखने में अच्छी नहीं लगती थी। तो यहाँ पर नॉर्मल मोड में ला दिया गया है कि जिससे आपको बैकग्राउंड फोकस ना करके आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है जिसको आप पोर्ट्रेट फोटो आप क्लिक कर रहे हो उसमें फोकस करें। तो इस बग को भी यहाँ पर दोस्तों कैमरा में फिक्स करके और इसका जो कैमरा में इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो अगर आप कैमरा का फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देना, तो मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि क्या कुछ फीचर ऐड किया गया है या फिर बग्स को फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर आप कम्युनिकेशन में देख सकते हैं, इम्प्रूव्ड वाईफाई नेटवर्क कनेक्शन स्पीड फॉर ए बेटर ऑनलाइन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर दोस्तों, कलर 7 अपडेट आने के बाद जो वाईफाई कनेक्ट करने के बाद जो कि वाईफाई का नेटवर्क भी आपका डिवाइस में क्लियरली नहीं आता था, मतलब कि जितना स्पीड होना चाहिए उस स्पीड से आपका जो वाईफाई है वो वर्क नहीं करता था, तो ये एक बग था, इसको भी इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। और इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है इस अपडेट में। तो यहाँ पर आप ऐप्स में देख सकते हैं, फिक्स्ड एन इशू वेयर द ब्राउजर ऐप वुड क्रैश व्हेन यू क्लियर द ब्राउजिंग हिस्ट्री।
तो यहाँ पर आप ओप्पो का जो ब्राउज़र है आप देखे होंगे, ओप्पो का ब्राउज़र में अगर आप कलर 7 अपडेट करने के बाद यूज़ किए होंगे ओप्पो ब्राउज़र में, तो क्या होता था वहाँ पर अगर आप हिस्ट्री क्लियर करते हो ओप्पो ब्राउज़र में जाकर के, तो वो क्या क्रैश हो जाता था, ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाता था, ओपन नहीं होता था, मतलब उसको फिर ऐप इन्फो में जाकर के क्लियर डाटा करने के बाद वो फिर से वो नॉर्मली वर्क करता था। तो ये भी एक बग था जो कि इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस अपडेट में यही कुछ था जो कि दोस्तों यहाँ पर कैमरा में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है पोर्ट्रेट मोड में, और बाकी के जितने भी बग्स थे उन सारे बग्स को फिक्स कर दिया गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये अपडेट आने के बाद, इससे पहले दोस्तों बैटरी ड्रेन का इशू आ रहा था इस अपडेट में, मतलब कलोएस 7 अपडेट आने के बाद, तो ये F.13 आने के बाद काफ़ी ज़्यादा फिक्स हो गया है, और लैगिंग का भी प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट के बाद। तो हालांकि यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट आने से पहले भी लैग नहीं करता था, काफ़ी सारे यूज़र का जो कि ये स्मूथ एक्सपीरियंस मिला था कलर 7 अपडेट आने के बाद ओप्पो F7 में, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी यूज़र थे जिनको लैग का प्रॉब्लम आ रहा था, हीटिंग का इशू आ रहा था, और उसके साथ साथ चार्ज भी ड्रेन हो रहा था। तो वो सारा कुछ दोस्तों इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है, तो आप लोग ये अपडेट कर सकते हो जो कि पहले वाले अपडेट से काफ़ी ज़्यादा स्मूदर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही कुछ था दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियो देख सके सबसे पहले।